घर में लोहे का सरिया बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो, जम के बोलो, बनता है? लोहे के सरिये की एक फैक्ट्री है कि बहुत सारी है? जम के बोलते जाओ, बहुत सारी है। अब जिस फैक्ट्री में जाओगे, उस फैक्ट्री के व्यक्ति से पूछोगे कि आपके यहाँ का लोहा कैसा है, तो वो क्या बोलेगा साहब? सारे कंपनी में अपनी कंपनी का माल एक नंबर। फिर दूसरी कंपनी में जाना, साहब आपकी कंपनी का माल? अपनी कंपनी का माल पूरी कंपनी में एक नंबर। कोई कंपनी वाला ये नहीं कहता, फैक्ट्री वाला, कि हमारे यहां का माल बेकार। कोई एक भी फैक्ट्री वाला नहीं कहता कि हमारी फैक्ट्री का माल बेकार। बस जैसे प्रत्येक फैक्ट्री में घूमोगे, प्रत्येक फैक्ट्री का मालिक कहेगा हमारी फैक्ट्री का माल अच्छा है, ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म में जाओगे, हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा, ना हमें दिया लगाना पड़े ना अगरबत्ती लगाना पड़े, हमारा धर्म सबसे अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है, केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी उड़ाता है। कभी कभी वो भी कह देता है, अरे क्या रखा दिया लगाने से, अरे क्या होता अगरबत्ती लगाने से, अरे क्या होता है भगवान के मंदिर जाने से, अरे क्या होता शंकर जी पे जल चढ़ाने से। अपने धर्म का व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भी सनातन धर्म पर उंगली उठा देता है कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, पानी चढ़ाओ हुआ मत पियो। अपने धर्म का व्यक्ति भी कभी कभी उंगली उठा देता है, तब समझ में आता है कि ये अपनी कंपनी, इसकी खुद की फैक्ट्री का माल नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में काम कर रहा है पर माल दूसरी कंपनी का। तब समझ में आता है कि ये अगर सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कह रहा है कि मंदिर मत जाना चाहिए, मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में मत जाओ, शिवजी पर बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, समझ लेना इस कंपनी का है ही नहीं, प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी का है, वो दूसरी कंपनी का है, इस कंपनी का है ही नहीं। कितना भी छोरा गंदा हो, कितना भी बेटा बेकार हो, फिर भी मां बाप मां बाप होते हैं, माता पिता होते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पांव नहीं छूता, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमन नहीं करता, तो तुम एक काम करना, अपनी पूरी मकान दुकान सब दूसरे को दे जाना। कर सकते हो ऐसा? अरे बोलो जम के, नहीं कर सकते। बेटा भले प्रणाम ना करे, बहू भले नमन ना करे, बेटा भले ना पूछे, बहू भले ना पूछे, फिर भी माता पिता मर जाएंगे पर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं, अपने बेटे और बहू को ही देकर जाएंगे, भले वो कैसा भी हो। और दुनिया को लगती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, किसी की नहीं हुई है, किसी की। किसी की नहीं। थोड़े दिन तुम्हारी है, थोड़े दिन बाद फिर किसी दूसरे की हो जाएगी, फिर तुम्हारी है, फिर किसी दूसरे की हो जाएगी। हमारा ब्रह्म है, हमको लगता है ये अपनी है, ये हमारा ब्रह्म है। नागपुर के एक भाई हैं, सिंघानिया करके हैं कोई नागपुर के, जो गीता भवन के पास में रहते हैं,
कोरोना काल में उनका बेटा मर गया, बहू और बहू का बेटा है। अब घर वालों ने, मोहल्ले के लोगों ने, परिवार वालों ने विचार करा कि बेटा चले गया, जवान की जवान चले गया, छोटा सा उसका 7 साल का लड़का और बेटा चले गया। अब इतनी सारी जायदाद, ये 2019-20 की कथा बता रहा हूं आपके ध्यान में। बेटा चले गया, 7 साल का उसका लड़का है, घर में युवान बहू है। अब ये जो जायदाद है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पैसा है, ये जो लॉकर है, ये जो बैंक का धन है, ये किसके नाम किया? किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने विचार करा अपने रिश्तेदारों से, तो रिश्तेदारों ने कहा देखो बहू अभी युवान है, हो सकता है किसी दूसरे से शादी कर ले और वहां चली जाए तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी, इसलिए एक काम करो, ये जायदाद, ये संपत्ति, ये वैभव, ये दौलत बेटे के नाम कर दो। 7 वर्ष का बेटा, 7 वर्ष के बेटे के नाम वो संपदा कर दी गई, वो दौलत कर दी गई। बहु आंख से आंसू बहाती रही, 7 वर्ष का बेटा 19 में जिसका पिता चले गया, 21 में वो 7 वर्ष का बेटा बीमार पड़ गया, उसके लीवर में पीलिया हो गया और वो बेटा भी मर गया। जरा ध्यान देना, नागपुर की यह कथा है। बेटा मरा, संपदा किसके नाम करी जाए? उसके बेटे के नाम कर दो। परिवार वालों ने सोचा बहू युवान अवस्था में है, कहीं दूसरी शादी कर लेगी, चली जाएगी, धन चले जाएगा, वैभव चले जाएगा, तो बेटे के नाम कर दिया, बेटा भी चले गया। अब संपदा किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी किसके नाम करी जाए? अब जायदाद किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी, जायदाद, संपदा किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने कहा अब बहू के नाम कर देते हैं। बहू आंख में आंसू भर कर बोली, जिस संपत्ति को, जिस धन को, जो मेरे पति के नाम थी वो पति की नहीं हुई, जो संपत्ति, जो धन बेटे के नाम करा वो बेटे की नहीं हुई, तो वो संपत्ति, वो धन मेरी कैसे हो जाएगी? ये तो उसकी है जिसकी थी, यहीं रह जाना। कभी एकांत में बैठना, अकेले में बैठना और विचार करना, थोड़ा एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर विचार करिएगा कि जिस मकान में तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन, ये मकान पहले किसका था, किसका था? और पता करना कि इससे पहले किसका था। जमीन कहीं नहीं गई, इंसान जाते चले गया, इंसान जाता चला।